इस अर्थ में मैं कहता हूं कि ये जो पूरे दिन भर का मंथन है, वो मंथन सरकारों को क्या होता है, इस प्रकार का काम करवाने के लिए सरकारों में एक फैशन है कंसल्टेंसी। कंसल्टेंसी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और फिर उसी से वहां से आया हुआ सरकारों में चलता रहता है। ये एक ऐसा प्रयोग है और एक प्रकार से एक ऐसी शुरुआत है कि पीपल्स पार्टिसिपेशन, पीपल्स इन्वॉल्वमेंट और पॉलिसी मेकिंग में जब जनता जनार्दन का जुड़ना हो जाता है। आजकल नई दुनिया में क्राउडसोर्सिंग शब्द बड़ा प्रचलित है। हमने गुजरात में एक छोटा सा प्रयोग किया था। सरकार में एक सीक्रेसी का स्वभाव होता है, एक टेबल वाला दूसरे टेबल वाले की चीज न देख जाए इसके लिए भी बड़े कॉन्शियस होते हैं। एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट को पता न चल जाए इसके लिए पता नहीं कैसी साइकोलॉजी बनी है, समझ नहीं आता मुझे। हमने कहा कि भाई गुड गवर्नेंस की पहली शर्त होती है ओपननेस इन गवर्नेंस, खुलापन चाहिए। और इसलिए हमने क्या किया, जो ड्राफ्ट पॉलिसीज होती है हमने कहा उसको ऑनलाइन रखो। सरकार में पॉलिसी को इतना सीक्रेट रखने की फैशन है, लास्ट मोमेंट कोई बहुत बड़ा चमत्कार करने वाले उस प्रकार से ले आते हैं और चीफ मिनिस्टर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और बड़ा तामझाम से प्रेस करेगा। यही परंपरा थी, हमने उस परंपरा को तोड़ दिया। हमने कहा ड्राफ्ट पॉलिसी को ऑनलाइन रखो और सभी स्टेक होल्डर को बताओ उसमें उनको क्या कहना है। अनुभव यह आया कि क्रॉस सेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप्स वो अपने इनपुट देने लगे। कई बार सरकार में बैठे हुए लोगों की सोच की जो मर्यादा थी वो मर्यादाओं के बाहर के विषय आने लगे और एक तरफा अगर कोई चीज जा रही है तो दूसरे ने उसको रोक लिया। और बाय एंड लार्ज एक समाज का राज्य का भला करने वाली पॉलिसीज इवॉल्व होने लगी। ये प्रयोग हमें इतना सफल हुआ है कि आज हमें पॉलिसी फ्रेम करने के बाद अभी तक हमें पीछे हटना नहीं पड़ा है। क्यों? जनता ने वो पॉलिसी बनाई थी। ये प्रयोग यंग माइंड की तरफ से आई हुई सारी बातें कभी न कभी तो हमारे देश में पॉलिसी मेकर्स को जरूर उस रास्ते पर जाना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। मित्रों, दुनिया के जो भी समृद्ध देश हैं